दोस्तों, क्या हो अगर आप एक प्लेन पर सवार हो और 40,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचने के बाद पता चले कि प्लेन का फ्यूल पूरी तरह से खत्म हो चुका है? ये सोचकर ही काफी डरावना लगता है, लेकिन शायद आपको यकीन ना हो, ऐसा सच में हो चुका है। एयर ट्रांजिट फ्लाइट 236, जो एक अल्ट्रा मॉडर्न एयरप्लेन है और जिसमें हर छोटी से छोटी प्रॉब्लम्स को डिटेक्ट करने के लिए 100 से भी ज्यादा ऑनबोर्ड सेंसर कंप्यूटर से कनेक्ट किए गए हैं, वो प्लेन की एक छोटी सी प्रॉब्लम भी डिटेक्ट नहीं कर पाया और अटलांटिक महासागर के ऊपर 40,000 फीट की ऊंचाई पर जाने के बाद इसके दोनों इंजन फेल हो गए। इसके बाद इस प्लेन और इसमें बैठे पैसेंजर्स के साथ क्या हुआ, जानने के लिए इस वीडियो में बने रहिए, क्योंकि आज हम आपको आसमान हुई इसी हैरतअंगेज घटना के बारे में बताने वाले हैं, जिसके बारे में सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। दिन था 24 अगस्त 2001 का। एयर ट्रांजिट फ्लाइट 236 हमेशा की तरह आज भी कनाडा से पोर्चुगल के लिए उड़न भरने के लिए पूरी तरह तैयार था। इसको उड़ने से पहले इसमें 47 टन फ्यूल को भरा गया और आखिरकार 293 पैसेंजर्स और 13 क्रू मेंबर्स सहित प्लेन में टोटल 306 लोग सवार थे। इस प्लेन को दो पायलट ऑपरेट कर रहे थे, जिनमें से पहले 43 साल के कैप्टन रॉबर्ट पीछे थे, जिनके पास 16,800 घंटे की उड़ान का एक्सपीरियंस था। कैप्टन पीछे एक बेहतरीन ग्लाइडर पायलट भी है, जो कई सेवियर कंडीशन में भी फ्लाई कर चुके हैं, और दूसरे पायलट 28 साल के डग द येगर थे, जिनके पास 4,800 घंटे की उड़ान का एक्सपीरियंस था। प्लेन काफी स्मूथली फ्लाई कर रहा था और वेदर भी बहुत ही अच्छा था। ये एक अल्ट्रा मॉडर्न एयरप्लेन था जिसमें 100 से भी ज्यादा ऑनबोर्ड सेंसर से कंप्यूटर कनेक्ट किया गया था। ये कंप्यूटर प्लेन के ऑपरेशन को हर वक्त मॉनिटर करता रहता था। इसके बावजूद भी पायलट सावधानी बरतते हुए हर आधे घंटे पर फ्यूल की जांच कर रहे थे और अपनी तरफ से हर ऑपरेशन पर नजर रख रहे थे। शुरुआत के 5 घंटे काफी आराम से गुजरे। लोग लंबी फ्लाइट की वजह से अपनी अपनी जगह पर सोने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तभी अचानक से पायलट्स को एक वार्निंग सिग्नल मिला, जो प्लेन के इंजन नंबर 2 में ऑयल टेम्परेचर लो और हाई ऑयल प्रेशर को इंडिकेट कर रहा था। ये पहली वार्निंग थी जहां से चीजें बिगड़नी शुरू हुई। ये वार्निंग दोनों ही पायलट्स के लिए काफी अनयूजुअल थी, क्योंकि इस पहले उन्होंने कभी भी ऐसी किसी खराबी को एक्सपीरियंस नहीं किया था। प्लेन में इस तरह की कोई खराबी आना नॉर्मल बात नहीं थी, इसलिए इसके पीछे की वजह समझना भी थोड़ा मुश्किल होने लगा। बाद में पायलट ने निष्कर्ष निकाला कि शायद ये कंप्यूटर एरर हो सकता है, इसलिए उन्हें गलत सिग्नल मिल रहा है। हालांकि इसके बावजूद भी उन्होंने कंपनी से कांटेक्ट किया और इस प्रॉब्लम के बारे बताया, लेकिन इस सिग्नल बारे में उन्हें भी कोई आइडिया नहीं था। जब कंपनी से कांटेक्ट करके भी पायलट को इंजन में होने वाली इस प्रॉब्लम के बारे में कुछ जानकारी नहीं मिल पाए, तो उन्होंने और ज्यादा यकीन हो गया कि ये सिर्फ एक कंप्यूटर एरर है और वो जल्द से जल्द व सुरक्षित रूप से इस सफर को पूरा करने के लिए लगातार अपनी डेस्टिनेशन की तरफ उड़ते रहे। लेकिन पायलट को सबसे बड़ा झटका तब लगा जब फर्स्ट वार्निंग सिग्नल के 20 मिनट बाद फ्यूल इम्बैलेंस का अलार्म बजने लगा, यानी कि प्लेन के दोनों विंग्स में लगे फ्यूल टैंक्स में ऑयल की मात्रा बराबर नहीं थी और ये चीज प्लेन को इम्बैलेंस कर सकती थी। कंप्यूटर डिटेक्ट कर रहा था कि राइट साइड का फ्यूल टैंक लेफ्ट साइड वाले टैंक के मुकाबले काफी लो हो गया था। अब ऐसे में पायलट्स के पास एक ही रास्ता था कि क्रॉस फीड वाल्व के जरिए ज्यादा फ्यूल वाले टैंक से कम फ्यूल वाले टैंक में ऑयल को ट्रांसफर कर लिया जाए। लेकिन क्रॉस फीड को ओपन करने से पहले पायलट ने इस बात की जांच की कि कम फ्यूल वाले टैंक में कोई सीरियस प्रॉब्लम तो नहीं है। जब सब ठीक लगा तो उन्होंने तुरंत ही ऑयल को दूसरे टैंक में ट्रांसफर कर दिया, लेकिन यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। अब फ्यूल ट्रांसफर करने के बाद दोनों पायलट्स रिलैक्स हो गए और उन्हें लगा कि अब सिचुएशन उनके कंट्रोल में है। हालांकि वो बिल्कुल गलत थे, क्योंकि उसके बाद चीजें और भी बदतर होने लगी। असल में प्लेन में मिलने वाले जिस सिग्नल को वो कंप्यूटर एरर समझ रहे थे, एक्चुअली वो फ्यूल लीकेज की वजह से शो कर रहा था, और प्लेन के राइट हैंड साइड वाले टैंक में एक बहुत बड़ा होल हो गया था, जिसमें से हर सेकंड लगभग 1 गैलन फ्यूल लीक हो रहा था। फ्लाइट 236 इस समय अटलांटिक ओशन के ऊपर उड़ रही थी, जिसे जमीन पर लैंड होने के लिए और 300 किलोमीटर दूर जाना था। पायलट्स को प्लेन के कंप्यूटर सिस्टम से लगातार कई सिग्नल्स मिल रहे थे। वो परेशान थे कि आखिर इतने सारे सेंसर लगे होने के बावजूद रियल प्रॉब्लम के बारे में वो क्यों जान नहीं पा रहे।
उन्हें बार बार फ्यूल लीकेज का भी डाउट हो रहा था, लेकिन उससे रिलेटेड उन्हें कोई भी सिग्नल अब तक नहीं मिला था। मगर जब उन्होंने फ्यूल की क्वांटिटी को कैलकुलेट किया तो उनके होश उड़ गए, क्योंकि कुछ ही समय में प्लेन का फ्यूल पूरी तरह से खत्म होने वाला था। अब पायलट भी हैरान थे कि जब फ्लाई करते वक्त प्लेन का टैंक फुल था तो इतनी जल्दी वो खत्म कैसे हो सकता है। इसलिए उन्होंने सोचा कि शायद इसकी वजह लीकेज ही है। इसकी जांच करने के लिए पायलट ने एक कैबिन क्रू को बुलाया और खिड़की से टॉर्च जलाकर चेक करने के लिए कहा कि अगर प्लेन के विंग्स में कुछ अनयूजुअल दिखे तो हमें इन्फॉर्म करें। लेकिन रात के अंधेरे की वजह से कैबिन क्रू को बाहर का कुछ भी नजर नहीं आया, जिसके बाद पायलट्स के पास फ्यूल इमरजेंसी डिक्लेयर करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। अभी फ्यूल अलार्म को बजे एक घंटे से भी कम समय गुजरा था कि अचानक इंजन नंबर 2 फेल हो गया और प्लेन की लाइट्स ब्लिंक करने लगी। लोग घबरा गए कि अचानक से ये क्या हो गया। ये पायलट्स के लिए भी काफी हैरान करने वाला था, क्योंकि उन्हें ऐसा होने का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। अब प्लेन पूरी तरह से सिर्फ एक इंजन के सहारे उड़ रहा था। 39,000 फीट की ऊंचाई पर सिर्फ एक इंजन से उड़ना प्लेन के लिए काफी मुश्किल हो रहा था। फिर भी किसी तरह करीब 20 मिनट तक प्लेन ऐसे ही उड़ता रहा। लेकिन इसके बाद सबसे बड़ी मुसीबत तब आई जब प्लेन के इस दूसरे इंजन का फ्यूल भी खत्म हो गया। फ्यूल खत्म होते ही अचानक से इंजन ने काम करना बंद कर दिया और पूरे प्लेन में अंधेरा छा गया। इस समय प्लेन में ना तो इंजन के चलने की आवाज आ रही थी और ना ही किसी और इक्विपमेंट के बजने की। पूरे प्लेन में सिर्फ लोगों के रोने और चिल्लाने की घबराई हुई आवाजें सुनाई दे रही थी। अब एरोप्लेन उड़ने की जगह हवा में ग्लाइड कर रहा था। चूंकि प्लेन के इंजन काम नहीं कर रहे थे तो ऐसे में जनरेटर ने भी काम करना बंद कर दिया था, और इसी वजह से इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई भी बंद हो गई। लेकिन प्लेन के नीचे इमरजेंसी के वक्त इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए एक रैम एयर टर्बाइन लगा होता है, जो हवा से स्पिन होकर इमरजेंसी के लिए थोड़ी बहुत इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर देता है, ताकि प्लेन अगर ग्लाइड कर रहा हो तो इस लिमिटेड इलेक्ट्रिसिटी से इसके कुछ जरूरी सिस्टम को ऑन रखा जा सके और प्लेन को कुछ हद तक कंट्रोल किया जा सके। पायलट ने ATC को कॉल किया और इंजन फेलियर के बारे में इन्फॉर्म किया। ATC ने उन्हें अजोर्स आइलैंड के लैश एयरपोर्ट पर लैंड करने का सुझाव दिया, जो उनके डेस्टिनेशन के मुकाबले काफी ज्यादा करीब था। लेकिन पायलट ने जब कैलकुलेट किया तो उन्होंने पाया कि अब प्लेन को पानी में लैंड कराने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा है। साथ ही प्लेन में ऑक्सीजन की कमी भी होने लगी थी, इसलिए सारे पैसेंजर्स को ऑक्सीजन मास्क और लाइफ जैकेट पहनने का सुझाव दिया गया। ये प्लेन में मौजूद उन सब लोगों लिए काफी मुश्किल समय था, क्योंकि जब पता हो कि हम शायद अपनी आखिरी सांसें ले रहे हैं तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस वक्त लोग क्या महसूस कर रहे होंगे। उस समय सिचुएशन ये थी कि इमरजेंसी लैंडिंग के लिए प्लेन तेजी से लैज एयरपोर्ट की तरफ बढ़ रहा था, मगर रास्ते में ही फ्यूल की कमी की वजह से उसके दोनों इंजन सिर्फ 13 मिनट के अंतराल पर जलकर नष्ट हो चुके थे। करीब 6:26 पर हुई इस घटना के समय विमान लैज एयरपोर्ट से अभी भी 121 किमी दूर था। लेकिन फिर इसके बाद जो हुआ उसने इसे बिना पावर के इतिहास का सबसे लंबी दूरी तक ग्लाइड करने वाला पैसेंजर एरोप्लेन बना दिया। पैसेंजर्स, पायलट्स और क्रू मेंबर्स सभी परेशान थे, और प्लेन हवा में इस तरह ग्लाइड कर रहा था कि अगर वो 5,000 फीट आगे जा रहा था तो 1,000 फीट नीचे की ओर भी आ रहा था। जैसा कि हमने बताया, पायलट के लिए प्लेन को रनवे तक ले जाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल नजर आ रहा था। लेकिन शायद ऊपर वाले ने उनकी दुआ सुन ली और हवा ने उनका साथ देना शुरू कर दिया। हवा के तेज बहाव की मदद से फाइनली प्लेन रनवे तक पहुंच गया और किसी तरह बैलेंस बनाते हुए काफी तेज स्पीड के साथ उसको लैंड करवा दिया गया, जिससे प्लेन में मौजूद लोगों को बहुत जोर का झटका भी लगा। अब यहाँ पायलट के लिए एक और चैलेंज था, इस प्लेन को रनवे पर रोकना, और लकीली ये रनवे काफी लंबा था। ऐसे में उन्होंने डिस्क ब्रेक को फुल कर दिया, जिसके बाद प्लेन का टायर रनवे पर रगड़ खाने लगा और उसने आग पकड़ ली। लेकिन इसका फायदा ये हुआ कि कुछ दूर जाकर आखिरकार प्लेन रुक गया। पहिए में लगी आग को वहां मौजूद रेस्क्यू रिस्पांस व्हीकल्स ने तुरंत ही बुझा दिया और सभी पैसेंजर्स को सही सलामत बाहर निकाल लिया गया, जो वाकई किसी मिरेकल से कम नहीं था। इस घटना की वजह से इस प्लेन का नाम अजोरिस ग्लाइडर रख दिया गया।
बाद में प्लेन की जांच की गई, जिससे पता चला कि मेंटेनेंस के दौरान जिस पाइप का इस्तेमाल एयर ट्रांजिट फ्लाइट 236 में किया गया था वो इसके लिए परफेक्टली फिट नहीं था और इसी वजह से फ्यूल लीक हो रहा था। इसके अलावा पायलट से भी काफी लापरवाही हुई थी, जहां वो बार बार सिग्नल मिलने के बावजूद उसे कंप्यूटर एरर समझते रहे और प्रॉब्लम की जड़ में जाने की कोशिश भी नहीं की। लेकिन कहते हैं ना कि अंत भला तो सब भला। इस प्लेन की सफल लैंडिंग के बाद हर कोई इसकी सक्सेस स्टोरी सुना रहा था। लेकिन सोचिए, पास में अजोर्स एयरपोर्ट ना होता तो क्या होता, और अगर कोई अनहोनी हो जाती तो इस तबाही का जिम्मेदार कौन होता? ये बड़ा सवाल है। वैसे आप इस घटना के होने का जिम्मेदार किसको मानते हैं? कमेंट सेक्शन में अपना जवाब जरूर शेयर कीजिएगा। बाकी हमारी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। मिलते हैं जल्दी ऐसी ही एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।